अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ आर्स चैप्टर नंबर 6.2 क्वेश्चन नंबर 14-17 है, ये आई थिंक थर्ड लेक्चर है इसके ऊपर। कल भी हुए थे क्वेश्चन, आज भी वही क्वेश्चन है। 2ab स्क्वेयर का स्क्वेयर, 3abc स्क्वेयर रेज टू पावर -2 डिवाइड बाई ab -4 bca रेज टू पावर 5 है। क्वेश्चन में क्या होना है, सबसे पहले इसको डिवीजन फॉर्म में लिख लेते हैं हम। डिवाइड बाई ab रेज टू पावर -4 bca रेज टू पावर 5। 2ab स्क्वेयर रेज टू पावर 2, 3abc स्क्वेयर रेज टू पावर -2। क्लियर है? ये नेगेटिव ऊपर आया क्या हो जाएगा, ऊपर नेगेटिव नीचे आके, ऊपर नेगेटिव नीचे आके पॉजिटिव, वो भी चला नीचे आके पॉजिटिव। ये एज इट इज है, ये भी एज इट इज आ जाएगा। डन है। अब क्या होगा, सबकी पावर्स खोल दें। 2 स्क्वेयर ए स्क्वेयर बी की पावर 2, 2 आर ए की पावर 4, बी की पावर। क्वेश्चन अगर इस शक्ल में ले आओगे ना, फिर सब एक जैसे हो जाएंगे, फिर मसला ही कोई नहीं है। 17 हो 19 हो डजंट मैटर। 3 स्क्वेयर ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी 4, बी 5 सी 5 और कोई इतराज है तो बोल दें। अब सारे ए इकट्ठे करते हैं, 2 स्क्वेयर वैसे ही है, 3 का स्क्वेयर भी वैसे ही है। पहला ए 2 है, अगर ऊपर ही है तो प्लस होगा क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे तो डिवाइड है तो माइनस होगा। ठीक है जी, बी पे आ जाए, बी 4 है, ऊपर ही है, मीन मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई हो बेस सेम हो पावर एड, डिवाइड है माइनस, डिवाइड है माइनस। सी पे आ जाए, ऊपर सी कोई नहीं है, सी को नीचे भेज दें फिर इसके साथ। सी 4 है और सी के साथ क्या है 5, दोनों मल्टीप्लाई है पावर एड। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 2 और 2 कट गए, 4 -5 -1, ए की पावर क्या हो जाएगी -1, बी क्या है 4 प्लस 4 8, 8 -2 6, 6 -5 1, बी की पावर क्या हो जाएगी 1, सी क्या 5 प्लस 4 9। यहाँ भी आप आंसर दे सकते हैं, लेकिन क्या होगा, ये नेगेटिव नीचे क्या हो जाएगा पॉजिटिव, 4 बी 1 ओवर 9 सी 9। क्लियर है? एक आ गए हम, चले 9 यहाँ पे आया और ए 1 हो गया। कोई डाउट तो बोल दें जी। दें क्वेश्चन और, 16 करवा रहा हूँ, थोड़ा चेंज है यही चीज। सब सेम है, सबकी बेसिक यही है। इसमें क्या किया था, नेगेटिव को पॉजिटिव किया पहले, इधर भी करते नेगेटिव को पॉजिटिव, 8 ऊपर आके पॉजिटिव, 27 ऊपर आके पॉजिटिव, 2 पहले ही ऊपर है इस एरिए में, ये किधर है, टू की पावर 5, 8 ऊपर आके पॉजिटिव 3, 27 ऊपर आके पॉजिटिव 3, 9 नीचे आके पॉजिटिव 1, 8 क्या था 2 की पावर 3, 27 क्या है 3 की पावर 3, 9 क्या है 3 का स्क्वायर, 2 की पावर 5 वैसे ही है, 3 द 9 वैसे ही है, 3 द 9 वैसे ही है, डिवाइड है, उपाय क्या हो जाएगा पावर माइनस 2 की पावर 5, या मल्टीप्लाई है, पावर क्या होंगी एड, 5 प्लस 9
और 3 की पावर 7, क्या आंसर आएगा यहाँ पे? 9 प्लस 5 14, 2 की पावर 14, 3 की पावर 7, चाहे पावर ले लें और मल्टीप्लाई करवा दें चाहे ऐसे छोड़ दें। अगर वो कहेगा ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो पावर नहीं लेंगे, ऐसे ही रहने देंगे। अगर सिंप्लीफाई करना है तो मुकम्मल आंसर निकाल देंगे अपना आप लोग। जी, थैंक यू।